जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड एक न्यू नोटिस के बारे में। जी हां, अगर आपने भी एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025 में फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो ये न्यूज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलने वाली है कि इस नोटिस में आखिरकार क्या है, एसएससी ने जो नया नोटिस निकाला है एसएससी जीडी के लिए उसमें क्या नई बातें कही गई हैं और ये नोटिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट भी देने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम को चुटकियों में पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम को 2 बार पास किया है, आप भी इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस एग्जाम को पास किया और मैं यहां तक अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच पाया और जिस तरीके से दोस्तों मैंने तैयारी की, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि भैया आपने 1 बार नहीं 2 बार कैसे एग्जाम पास किया और वो भी इतने अच्छे खासे नंबर थे, 145 प्लस नंबर थे दोस्तों मेरे, और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। और दोस्तों यहाँ पर फाइनल लिस्ट में जो नाम है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रिंस कुमार, ये मेरा ही नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पहुँच पाया दोस्तों मैं यहाँ तक और ये ज्वाइनिंग लेटर कैसे पहुँचा मेरे घर तक। जी हाँ, ये ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक भी पता पूछते हुए आएगा अगर आप मेरी तरह तैयारी करते हैं। जी हाँ, कैसे की मैंने तैयारी, बहुत आसान है, समझ लीजिए ऐसे आप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 की और 25 की तैयारी करने के लिए जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होना है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे कि आप 2 से 3 महीने पढ़ाई करके इस एग्जाम को चुटकियों में पास कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने जो खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिनसे दोस्तों मैंने पढ़ाई करके यहाँ पर 145 प्लस नंबर लाए हैं, वो भी दोस्तों रॉ स्कोर, ठीक है। और यहाँ पर कैसे दोस्तों मैं सिलेक्शन मैंने यहाँ पर लिया है, मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट कैसे मिली, तो उसके लिए आप सभी को बता देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छा कंटेंट मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स मैं आप सभी को दे रहा हूँ कि जिसने ये पढ़ लिए, मैंने इसको अपडेट भी किया है नए, क्योंकि एग्जाम नया है 2025 के लिए, तो ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो एग्जाम में कोई ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक पाए। अभी नोट्स मिलेंगे कैसे, इसके लिए करना कुछ नहीं है, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है और इस नंबर पे मैसेज कर देना है जो कि है 6396453592। बस इस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे, कंप्लीट नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में और भी काफ़ी लैंग्वेज अवेलेबल है हमारे नोट्स, और ये आपको मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे जो बच्चे पूछते हैं कि सर इसका पेमेंट क्या है, तो देखो इसका पेमेंट 500 रुपये नहीं है, मात्र आप सभी को 200 रुपये में, केवल 200 रुपये में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 200 रुपये जो आप हमको दे रहे हो ना, ये आपके सिलेक्शन के रुपये हैं, इससे आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, खुद का सिलेक्शन हुआ है तो ही बता रहा हूँ। भाई साहब, 200 रुपये अगर आप अपनी पढ़ाई में नहीं खर्च कर सकते तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है ही नहीं। प्यारे साथी, जब आप एग्जाम में जाते हो ना, जब एक एक पॉइंट को कटवाने के लिए बोलते हैं ना कि भैया मुझसे 2000 ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, वहां पर आप देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन 200 रुपये मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि पढ़ाई में अपने के लिए अपनी मेहनत से आप पढ़ाई पास करेंगे इस एग्जाम को, किसी ऐसे कह रहे दोस्तों दलाल वाला का चक्कर नहीं है कुछ यहाँ पर, और अपनी मेहनत से एग्जाम में एग्जाम फोड़ के आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो 100% सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें 1 रुपया नहीं चलता है, इसमें सिर्फ अपनी मेहनत से आप पास कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी अपना फोन उठाइए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए और एसएससी जीडी में दोस्तों अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस नोट्स को पढ़िए, मैंने आपसे जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, जिसको भी नोट्स चाहिए वो मैसेज कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलते हैं उस नोटिस की तरफ जिसका मैंने दोस्तों जिक्र किया था थंबनेल में। मैंने आपसे बोला था कि एसएससी जीडी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस दोस्तों यहाँ पर जारी किया है, वो नोटिस क्या है सबसे पहले उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर ही देखेंगे 1 नवंबर का दिवाली के टाइम पर दोस्तों धमाका किया था एसएससी ने और यहाँ पर एक नया नोटिस निकाल दिया। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे ऊपर ही, इस पर मैं क्लिक करके आप सभी को इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि इसमें बोला क्या गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है और इम्पोर्टेंट नोटिस करके ऊपर आप देख सकते हैं, ये है इम्पोर्टेंट नोटिस।
ठीक है। ऊपर देखिए दोस्तों इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कैंडिडेट मे रेफर टू द नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफएस एंड एसएसएफ राइफल में जीडी असम राइफल्स एंड स्पॉय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 अपलोड इन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। ये आपका इसका नंबर लिखा हुआ है 5/9/2024। यानी ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बात बोली है कि इसने एक इंपोर्टेंट नोटिस निकाला है 2025 के लिए, 2025 के लिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पुरुषवेंट टा पैरा 10 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 5/11/2024 से लेकर यहाँ पर शुरू हो जाएगा दोस्तों 7/11/2024 से रात के 12 बजे तक, ठीक है। इन केस एनी करेक्शन चेंज इज द रिक्वायर्ड टू द मेड इन द ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट मे यूटिलाइज द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन। इसका मतलब दोस्तों ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब एसएससी ने जो नोटिस निकाला था उसके पैरा नंबर 10 पर इन्होंने एक बात लिखी हुई थी जो शायद आपने नहीं पढ़ी थी, वो मैं आप सभी को बताता हूँ इन्होंने क्या बोला था। इनके पैरा नंबर 10 पर चलते हैं और आप सभी को बता दें कि एसएससी ने इसमें क्या बोला है और जिससे कि आप लोग के लिए ये जो नोटिस है एसएससी ने स्पेशल निकाला है, क्योंकि स्पेशल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एसएससी ने 10 नंबर पर पहले ये बात बोल दी है, तो ये नोटिस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पैरा नंबर 10 पर, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बात बोली थी, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखिए इन्होंने जो नोटिस निकाला था इसमें इन्होंने बोला था विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024, और ये वही बात जो लिखी हुई है जो आपके इंपोर्टेंट नोटिस में थी 1 नवंबर के में। अब मैं बात को नहीं घुमा के सारा डिटेल में आप सभी को बताता हूँ, दो शब्दों में बात खत्म करता हूँ अपनी। बात यह है कि जिस भी बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किया था, क्योंकि एसएससी ने लास्ट डेट तो कर दी थी आप सभी को पता है 14 तारीख को ही, 14 अक्टूबर को ही, जिसने भी फॉर्म को फिलअप किया था अगर उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, उसको लगता है कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक है, मेरे नाम में मिस्टेक हो चुकी है, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, या आपके अदरवाइज कोई भी 10th की मार्कशीट में कोई नाम फिलअप गलत भर गया है, एड्रेस गलत भर गया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मिस्टेक से गलती से लिख चुकी है फॉर्म में, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर फॉर्म फिलअप करने का। जी हाँ, अब उसकी जो करेक्शन की जो डेट है वो 5 तारीख को आएगी, 5 तारीख को आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं, ऐसा एसएससी ने आपको एक बार फिर से याद दिलाया है कि आप भूल तो नहीं गए हैं कि आप करेक्शन भी करना चाहते थे, लेकिन आप भूल तो नहीं गए, इसलिए इसने नोटिस निकाल के आपको स्पेशल में ये बात बताई है, क्योंकि दिवाली का टाइम था, बच्चे भूल जाते हैं भाई सारी चीज़ें, इसलिए दिवाली से बाहर निकल करके अब आप त्योहारों से बाहर, जो आपका फेस्टिवल चल रहा था इससे बाहर निकल करके अब आप अपने जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस करेंगे, इसलिए एसएससी ने तुरंत ही नोटिस निकाल दिया कि भाई दिवाली की मिठाइयों ने आपको वो बात भी भुला तो नहीं दी है जो आप पहले सोच रहे थे कि मुझे करेक्शन भी करना है। तो एसएससी बहुत ज़्यादा दोस्तों सीरियस है आप लोगों के लिए, उसने इसलिए आपको स्पेशल में एक नोटिस निकाल के ये बातें सीधी बताई हैं कि भैया आपका कोई फॉर्म गलत हो गया है, मिस्टेक से आपने कोई गलती कर दी है तो उसको आप सुधार सकते हो, लेकिन दिवाली पर तो आपने मिठाइयाँ खूब अच्छे से खाई हैं, खूब पैसे उड़ाए हैं, खूब पटाखे फोड़े हैं, तो यहाँ पर भी आप फ्री में नहीं कर सकते करेक्शन, इसके लिए आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ये दिवाली पर तोहफा दिया है एसएससी ने आप लोगों के लिए कि दिवाली पर आप सभी जो है अच्छे से अपना फॉर्म ठीक कर पाए। भाई 200 रुपये का चार्ज फर्स्ट टाइम में आपको देना पड़ेगा और सेकंड टाइम में आप सभी को जो है यहाँ पर आपको लोगों को देना पड़ेगा 500 रुपये। जी हाँ, यानी फर्स्ट टाइम में 200 और सेकंड टाइम में 500 रुपये आप सभी को देने होंगे। ये एसएससी ने यहाँ पर बात बोली है अगर आप करेक्शन करते हैं तो, ठीक है। भाई मैं इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि हर छोटे से छोटा बच्चा, हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है वो समझ सके। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो मुझे बोलते हैं भैया आप एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हो। प्यारे साथी, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर आपकी अच्छी है, लेकिन कुछ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं जिनकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते, उनको 2 से 3 बार बताने में वो समझ पाते हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ बातों को। यही बात इस नोटिस में बोली है जो एसएससी ने यहाँ पर जारी किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि विंडो जो है आप सभी की स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब 5 तारीख को ही, रात के 12 बजे के बाद ही, 1 बजे के आसपास ही
आप जो है चेक कर सकते हैं इसको, और वहीं से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, जिस हिसाब से आप ये फैसिलिटी आप सभी को मिल जाएगी। और रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर द एक्सपायरी फॉर द अबव मेंशन करेक्शन विंडो फॉर एनी चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन इन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रॉट एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन विज पोस्ट फैक्स ईमेल बाई हैंड ETC, यानी बोल रहा है कि नॉट बी इंटरनेटेड बाई द कमीशन एंड विल समरली रिजेक्टेड। ये दोस्तों बोल रहा है कि भाई साहब आपका कोई भी जो चीज़ है वो फैक्स से ईमेल वगैरह से नहीं ली जाएगी, आपको करेक्शन ही करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ईमेल पर जाएंगे कि सर जी मेरा तो ये दिक्कत हो गया मुझे इसको सही कर देना, तो ऐसे सही नहीं होगी। SSC ये बोल रहा है कि भैया आप कोई पोस्ट वगैरह कोई फैक्स वगैरह कोई ईमेल वगैरह हमको मत करना, वरना हम इसको सुधार नहीं सकते, आपको खुद से ही इसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप ये गलती करते हो, आप फैक्स से करते हो, ये मिस्टेक हमसे सुधारने कहते हो तो हम नहीं करेंगे। अगर आपने ये गलती कर दी है और आप फिर भी अपना फॉर्म जो है यहाँ पर करेक्शन नहीं करते हो तो हम तो भैया डायरेक्टली उसको रिजेक्ट करेंगे। ये साफ साफ SSC बोल रहा है भाई, इस बात को समझ लेना आप, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है लेकिन इतनी भी वीक नहीं है जो मैं आपको समझा नहीं सकूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और हिंदी मीडियम में फ्रांटेदार दोस्तों, हिंदी में 20 में से 20 में ला के आया हूँ और रीजनिंग में 20 में से 20 लेके आया हूँ और मैथ में 20 में से 20 लेके आया हूँ, तो कोई मजाक नहीं है यहाँ तक पहुँचवाना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ और इंग्लिश में अच्छे से दोस्तों उनको इंग्लिश ग्रामर में अपना 100% दे रहा हूँ, ताकि वो हर बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है वो ये ना बोले कि सर मुझे इंग्लिश में कम दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी परेशानी, क्योंकि जो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं ना हर बच्चे के लिए कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला है चाहे हिंदी मीडियम वाला है, सब लोगों के लिए दोस्तों लगातार काम किया जा रहा है। और वास्तव में दोस्तों मेहनत जारी है, पूरी टीम वर्क कर रही है आप लोगों के लिए कि आपका सपना पूरा किया जाए। तो बस आप सभी तैयार हैं, ये नोटिस मैंने आप सभी को बता दिया है, ये आप सभी का लोधी रोड दिल्ली से निकल के सामने आया है, जो ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर में है, दिल्ली में आप सभी को SSC का हेड ऑफिस है, वहीं से ये जारी करता है। तो प्यारे साथी बस यही था नोटिस आप सभी लोगों के लिए, एक बार फॉर्म को चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि बाद में मेरे बच्चों को रोते देखा है DV में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, मेरे टाइम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे भाई इसी के चक्कर में, किसी का फादर नेम गलत हो गया, किसी का आधार कार्ड में नेम चेंज नहीं हो रहा था, किसी का कुछ नहीं हो रहा था, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत फिलअप हो गई थी, किसी ने एड्रेस फिलअप कर दिया था, बच्चे घबरा रहे थे, क्योंकि अगर आपने एड्रेस गलत भर दिया था तो खुशमत होना वहाँ का डोमिसाइल बनवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो जो भी है जेन्युइन रखना, गलती मत करना बस, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी इस बात को सहमत होंगे और इस बात को समझे होंगे। तो ये वीडियो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।